पाप पानी से भरा हुआ है, इसको रन करके देखते हैं। मेरा कुत्ता हेलो भी करता है। गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। गाइस आज है 11th ऑफ अक्टूबर ट्यूसडे, और भाई आज सुबह इतनी तेज भयंकर मूसलाधार बारिश हुई है ना, मेरे साथ वाला पूरा पार्क भर चुका है। एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई देखना वो सामने, मतलब पूरा पार्क पानी से भरा हुआ है एंड तक, और अभी तो ये काफ़ी कम हो चुका है। आपको रोड दिख रही है ना, सुबह तक वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, क्योंकि इस पार्क के कोने में एक सीवरेज सिस्टम है ना, तो उसमें पानी ड्रेन हो जाता है। पूरा पार्क वाला मतलब एंड तक आपको शायद दिख नहीं रहा होगा यार, वो ना भरा हुआ है पूरा, मतलब आधा पार्क भरा हुआ है। इसका मतलब ऐसी है, थोड़ी बारिश होती है पूरा भर जाता है। और यार इसी चक्कर में ना मैं सुबह जिम भी नहीं जा पाया। कल रात में पूरा मोटिवेटेड होकर सोया था, मैं कहा यार कल का दिन प्रोडक्टिव करेंगे, सुबह सुबह जिम जाऊँगा, आराम से 10 बजे अपना दिन शुरू करूँगा। भाई सुबह उठा, बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया, एक्टिवा पे मैं जिम जा ही नहीं पाया। अब जिम पास है यार, गाड़ी निकालने का कोई तुक्सा नहीं लगता, तो मैं जा नहीं पाया। अब बस एक बज चुका है, अब 2 बजे जिम जाऊँगा, क्योंकि अभी अभी खाना खाया है, तो अभी जिम जाके फ़ायदा नहीं है। 2 बजे जिम जाऊँगा, तब तक देखते हैं यार घंटा है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने ये बुक ली थी ना कल, तो ये बुक थोड़ा पढ़ लूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो प्रोग्रामिंग भी करूँगा, और ऊपर से भाई एक और सैड लाइफ वाला काम, दिवाली में रह गए हैं 12-13 दिन। मम्मी कह रही है अब थोड़ा घर का काम करा, खिड़कियाँ धुलवा, पंखे साफ कर, अब यही सब करना है यार, देखते हैं चलो आगे। तो भाई जिम जाने में तो अभी घंटा है यार, तो खोलते हैं इस किताब को और देखते हैं क्या क्या है। ऐसा नहीं यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, प्रोग्रामिंग मैंने पहले करी हुई है, बस ये है कि रिवीजन करनी थी, बुक मंगा ली, तो मैंने बुक से प्रोग्राम तो पढ़ लिया। मैं प्रोग्राम आपको कोड करके दिखाता हूँ, कोड करता हो तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में निकाल दूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। तो पहले प्रोग्राम कोड करते हैं, उसके बाद मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। भाई प्रोग्राम तो मैंने रन कर लिया है, अब इसको रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। एंड 1 2 और ठहर बार, पहले ना मैं इसके सारे एरर रिजॉल्व कर लूँ, मैं फिर आपको समझाता हूँ ये। तो मैं सारे एरर रिजॉल्व करने के बाद अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। हाँ रन तो हो गया। तो भाई पहले अपा ने क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले अपा ना आइटम का कोड डालेंगे जो कि है 1, और प्राइस डाल दिया 100 रुपीज़। ठीक है, अब कोड सेकेंड आइटम का 2, और प्राइस है अपना 200 रुपीज़। ठीक है, तो अब आइटम कोड और प्राइस आ गया, अब हमें डालने की क्वांटिटी कितनी लेनी है। हमने एक प्रोडक्ट की तो 2 और 2 ले ली हमने। ठीक है, फिर से एरर भाई मैं फिर से एरर रिजॉल्व कर लूँ, उसके बाद फिर आपको पक्का समझाता हूँ। तो सारे एरर फिर से मैंने रिजॉल्व कर लिया है, और फिर से डालते हैं आइटम कोड 1, प्राइस 100, आइटम कोड 2 और प्राइस 200। ठीक है, आइटम कोड का प्राइस आ गया, क्वांटिटी 2 2। हाँ अब चल गया ये। ठीक है फाइनली, तो यार ये क्वेश्चन है कि हमें एक मार्केट का बिल छापना है जिसमें हमने आइटम कोड का प्राइस डाला था, और हमें टोटल बिल आ गया जो कि है टोटल 600 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन। तो यार जिम जिम से तो मैं आ गया हूँ, बस अब घर चलते हैं। और मैं एक सेकंड में आपको पीर मुश्किल लगी सड़कों का हाल दिखाता हूँ, ये देखना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे जाके दिखाता हूँ। रुकना भैया, आप भी बोलोगे क्या तालाब बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक चलो फिर भी ठीक है, अभी अगले मोड़ पे देखना भाई, बुरा हाल है, फिर मुझे लगे देखना। अब देखना भाई, मतलब यहाँ कोई खड्डा आ जाए ना, वो एक एक्टिवा वाले को दिखे भी ना, और ये आ गया मेरे ऐसा तो भीग जाएगा पूरा। देखना ओ भाई, ओ देखना भाई। भाई इतनी ख़राब सड़कें हैं ना भाई, बनाते बनूते भी नहीं है, सुबह बारिश हुई है थोड़ी सी, उसमें हाल देखना पर सड़कों का, ऊपर से खड्डे भाई, सड़क भी नहीं बनाते ये लोग। हाँ इनको दिखेगा ना सड़क टूट रही है, टाइलें लगा देंगे वहाँ पे, कुछ नहीं है भाई इनका। चलो यार आप घर चलते हैं, देखते हैं उसके बाद आगे काम धंधा।
तो वैसे आपको अब मैं दिखाता हूँ कि मेरा कुत्ता फालतू नहीं है, मेरा कुत्ता हेलो भी करता है। ब्रूनो हेलो। ये बेइज्जती ना करा ये क्या कर। टेक टू। ब्रूनो हेलो। ब्रूनो हेलो भाई, थोड़ा कैमरा शाही है यार, करते वैसे हेलो। लेट मी ट्राई वंस अगेन। टेक थ्री। हेलो हेलो। शाबाश। तो यार अभी रात के 1 बज रहे हो और सारा काम हो चुका है, मतलब मैं फ्रेंड्स वगैरह से बात बूत करने लग गया था रात को। ऋत्वी किया भाई, उसका 12 बजे कॉल आता है, वो घंटा लगा रहता है। तो बात बूत सब कर लिया, अब 1 बज गया, बस सोने का टाइम हो चुका है, सुबह जिम भी जाना है। तो कुछ आज का ज़्यादा खास किया नहीं, मतलब ठीक है पढ़ाई लिखाई कर ली, वही प्रोडक्टिवनेस थी, बाकी तो मेरा सारा दिन ऐसे ही बेला गया है यार। ऐसे जाते हैं मेरे दिन, मतलब कुछ होता नहीं है, जब तक कैनेडा नहीं जा रहा तब तक मैं ऐसे ही हूँ। मतलब कुछ अभी 22 को नमन भी आ जाएगा, उसके बाद दिवाली है, तब थोड़े दिन ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही चलता है बस। तो यार अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दो, ताकि आने वाले और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।